संगीता स्लाइव और मैं हूँ संगीता। आज है सैटरडे, आज अभी 8 बज रहा है लेकिन बाहर देख के लग नहीं रहा है जो 8 बज रहा है, क्योंकि बाहर काफी धूप हो गया है और मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस और मैं अभी बैठ के मैगी खाऊंगी। पूछिए क्यों? क्योंकि ना आज मैं जो रोटी बनाई थी तो क्या हुआ, आटा एकदम मतलब अंदर से तो लेती हूँ ना तो कम हो गया, और कम हो गया तो मैं सोची, फिर मेरे हस्बैंड को मैंने लंच पैक करके दे दी, मैं सोची कुछ मैं और कुछ खा लूँगी, इसलिए मैगी मुझे बनाना पड़ा। ऐसे मैगी मैं प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि फ़ास्ट फूड ऐसे मैं अवॉइड करती हूँ। मैगी खाना तो अच्छा लगता है लेकिन मैं फ़ास्ट फूड अवॉइड ही करती हूँ, खाना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, अच्छा भी नहीं लगता है मेरे को। मतलब खाने के बाद ना खुद को लगता है मैंने क्यों खाया ऐसा लगता है, तो इसलिए तो मैंने अभी मैगी बनाए तो सोचो मैगी खा लेती हूँ, और मैगी खाते खाते थोड़ा सा बात भी कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड का लंच कहीं कम ना पड़ जाए ये सोच के हमने लंच मतलब पैक कर दिया। और मेरे हस्बैंड के सामने एक मतलब उन्हीं के ऑफिस के एक ऑफिस स्टाफ है, वो भी खाते हैं, मतलब उनके जो वाइफ है ना वो है ही नहीं, तो मतलब कहीं बाहर है तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो आ नहीं पाएगी, तो इसलिए ना वो मेरे हस्बैंड के साथ ही खाते हैं। तो मैं सोची इन लोग का कहीं कम ना हो जाए इसलिए मैंने मतलब पैक कर दी, फिर तो मैगी बना के खा रही। कल ना मैं गई थी किराना वाला सामान लेने के लिए, मेरे घर के सामने एकदम सामने जस्ट गेट है और गेट के सामने मेरा जो एक फ्लैट है, फ्लैट के सामने ना बहुत कैंपस बहुत बड़ा है, तो मतलब वहाँ हम लोग घूम घूम सकते हैं, इतना मतलब वॉकिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जस्ट उसके आगे तो गेट है, तो गेट के जस्ट बाहर ही एक किराना वाला दुकान है, तो वहीं तक सामान लेने के लिए कल गई थी। बाहर से आई ना ऐसा लग रहा है बाप रे बहुत बड़ा जंग जीत के आई हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड तो डेली ऑफिस जाते हैं, उनका तो इमरजेंसी वाला है ना तो उनको डेली ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन मैं तो नहीं जाती हूँ ना, मैं तो अभी घर में रहती हूँ। तो पहली बार गई ना, तो पहली बार नहीं सेकेंड टाइम गई, एक बार बीच में सब्जी लेने गई थी मैं एक बार हस्बैंड के साथ ही, ये थर्ड लॉकडाउन चल रहा है ना, ये वाला थर्ड है, तो थर्ड में टोटल मैं 2 बार बाहर निकली, एक बार सब्जी लेने गई थी और एक बार किराना वाला सामान लेने गई, तो मैं किराना वाला सामान काल सारा लेके आई। मैं शेयर करती हूँ मैं काल क्या क्या किराना वाला सामान लेके आई हूँ। बहुत ज्यादा तो मेरे हस्बैंड मना करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, कम कम ही लो, तो मैंने कम कम ही लिया है, तो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। यह है धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, मैंने 2-2 पैकेट ले लिया है क्योंकि पता नहीं कब तक चलेगा ये सब, इसलिए 2-2 पैकेट ले लिए। ये है शायद कितने ग्राम का पैकेट है, 100 ग्राम का पैकेट, मतलब 200 ग्राम लिए हैं। और लिए हैं ये सब तो हम ज्यादातर बिग बाजार से ही लेते थे, लेकिन अभी बिग बाजार तो नहीं जाएंगे ना, तो खुले में यहाँ पे तो दुकान में ना किराना वाला दुकान है छोटा सा, खुले में लेना पड़ता है। तेज पत्ता लिए हैं, ये है मूंगफली, मूंगफली 1/2 किलो। आजकल मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा चटनी वटनी बहुत खाते हैं। और है अरवा चावल, अरवा चावल जैसे मेरा व्रत वगैरह रहता है ना उसमें खाने के लिए, व्रत के दिन मैं अरवा चावल ही खाती हूँ, ये लिए है 1 किलो। और है मैदा, मैदा भी 1 किलो लिए हैं। आजकल ना केक वेक खाने का बहुत इच्छा होती है, तो मैं सोच रही केक बनाऊंगी इसलिए मैंने ले लिया ये 1 किलो मैदा, और केक और क्या पानी पूरी ये सब मैं बनाऊंगी, अभी सब शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। और ये है सूजी, सूजी भी ले लिए हैं। और ये है चना दाल, ये भी 1 किलो। और मैं क्या कह ली हूँ बताती हूँ, ये है कश्मीरी रेड चिली, मैं कुकिंग चैनल है मेरा, कुकिंग के लिए कश्मीरी रेड चिली डालना पड़ता है, ऐसे रेगुलर लाइफ में नहीं डालो तो चलता है क्योंकि उतना कलर नहीं आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कुकिंग करती हूँ ना उसमें थोड़ा सा कलर डालने से ना बहुत अच्छा फोटो वगैरह आता है, अच्छा लगता है।
ये है तुअर दाल, इसको अरहर दाल भी कोई कोई बोलते हैं, ये भी 1 किलो लिया हमने। ये है मसूर का दाल, ये भी 1 किलो लिया है। ये छोटा छोटा वाला मसूर है, एकदम छोटा छोटा वाला। ये छोटा वाला मसूर ना हमने कभी लिए नहीं है, फर्स्ट टाइम लिए हैं, देखते हैं कैसा लगता है। मसूर का दाल भी लिए हैं। और ये है मूंग का दाल, मूंग का दाल भी ले लिए, ये भी 1 किलो है। और है ये चंदन वाला अगरबत्ती लिए हैं, स्क्रॉच ब्राइट। मेहंदी लगाऊंगी, मेरे बाल में बहुत ज्यादा बाल पता नहीं व्हाइट व्हाइट होने लगा बाल, तो मेहंदी के लिए मैंने पतंजलि वाला आधा, तो आधा किलो बोले थे पता नहीं, तो आधा किलो नहीं है 100 ग्राम दिए हैं, ये देखिए, जबकि आधा किलो बोले 100 ग्राम दिए हैं। और पतंजलि का सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल, 2 ले लिए हमने, 2 लीटर। और फिर ये तेल पहले दिखा देते हैं ना, फिर मैंने पतंजलि का रिफाइंड लिए हैं, विटामिन ए एंड विटामिन डी है इसमें, ये भी मैंने 2 लीटर लिया। ये स्क्रॉच ब्राइट का ये वाला लिए, एक तार वाला लिए, ये वाला लिए, सारा खराब हो गया था मेरा। और एक कोको पाउडर लिए, मैं केक बनाऊंगी बोल के कोको पाउडर ली हूँ। और कस्टर्ड बनाऊंगी तो कस्टर्ड पाउडर नहीं, कस्टर्ड नहीं, कॉर्नफ्लोर लिए, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर लिए हैं। कस्टर्ड पाउडर उनके पास था नहीं तो नहीं दिए। और ये है टोमेटो सॉस, ये भी खत्म हो गया था मेरा। और ये लिए वनीला एसेंस, वनीला एसेंस मेरे पास तो था लेकिन वो एक्सपायर हो गया, 1 साल हो गया लग रहा है। और फिर दूसरा लिए, और ये पता नहीं क्या लिए। ये है इलायची, थोड़ा सा ये है इलायची, बस ये है मेरा इतना किराना वाला सामान मैं दिखाती हूँ। इतना सारा किराना वाला सामान मैं लेके आई हूँ, ये है। देखिए इतना सारा सामान तो मैं लेके आई हूँ, सारा पैक करना पड़ेगा। दाल वगैरह तो जरूरत पड़ता है ना, तो दाल वगैरह को ये तो जल्दी खराब भी नहीं होगा, इसको स्टोर करके मैं रखूंगी। कैसे मैं स्टोर करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए मैंने दाल वगैरह ले लिए हैं, क्योंकि बार 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 किराना दुकान इस टाइम ना नहीं ना जाओ तो ज्यादा अच्छा है। मेरे को लगता है ना 1 महीना का किराना वाला सामान उठा के रख लो तो फिर बार बार दुकान जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा कुछ कुछ लिए हैं, लेकिन अभी मेरा जो चावल है वो भी नहीं आया, जो खाने वाला रेगुलर वाला चावल, ये तो अरवा चावल है। और आटा भी लेना है, वो तो मैं कल ले लूंगी, आटा और चावल, फिर वो दोनों भरना है। बाकी लगभग है, थोड़ा बहुत है, बस इतना ही है मेरे पास अभी। तो मैं सोचा ना बाहर डॉगी काऊ 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 कर रहा है, इतना ज्यादा डॉगी है ना मेरे मोहल्ले में, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा डॉगी है, देखो ना आवाज आ रहा है, बहुत डॉगी है, बहुत ज्यादा। तो मैं ये सब पैक करूंगी अभी, मैंने यही सब सामान थर्ड लॉकडाउन में लेके आए हैं, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप गाइस मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आगे अगर आपको मेरा ये सब वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट करके प्लीज बताइएगा, तो मैं इस तरह से वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज नहीं बनाऊंगी अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगेगा तो। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।